तो इस वीडियो में आईसीआईसीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एनएफओ के बारे में तो डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन डिस्कशन इसमें ज्यादा होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स को आपको प्ले कैसे करना है। इस फंड में मिनिमम 100 रुपीज है मिनिमम अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इतना कम अमाउंट को कैसे हम लोग हर गिरावट में मंथ में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड करके डालेंगे, तो बाजार से कैसे हम मैक्सिमम मुनाफा स्मॉल कैप से ले सकते हैं वो स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग टर्म चार्ट में 2005 से लेके आज तक ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो कब बुल रन में था, उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन फेज में कैसा गया, और अब जो बुल रन चल रहा है इसके बाद कैसे ये इंडेक्स बिहेव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे, और इस फंड के बारे में डिटेल्स तो रहेगा ही, तो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, एंड तक जरूर देखिएगा। पहले तो ये एनएफओ 12 अक्टूबर से चालू है और 27 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, मिनिमम निवेश 100 रुपीज है। अब कैसे इसमें अगर आप निवेश करते हैं, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा निवेश करना है या नहीं, लेकिन सुन लीजिए, अगर आप निवेश करते हैं, ये एक इंडेक्स फंड है, तो इसमें आपको देखिए एक्टिव फंड जैसा एक सुपर रिटर्न नहीं मिलेगा, एवरेज रिटर्न मिलेगा, तो उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें ये फंड में 100 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे हिसाब से आप लोग मंथ में, एक मंथ में जब आप SIP रजिस्टर करते हैं, वैसे SIP रजिस्टर मत कीजिएगा, ठीक है, लेकिन एक अमाउंट आप आपके दिमाग में रखिएगा कि हर महीने में 2000 या 1000 रुपए में फंड में निवेश करूंगा। अब क्या करना है, बाजार जिस दिन गिरेगा, ये मान लीजिए लगातार 2-3 दिन गिर रहा है, तब एक दिन आप उसके अंदर बाजार में 200 या 500 रुपए डाल दीजिए। ऐसा तो मंथ में ऐसा आप लोगों को हमेशा 5-6 दिन मिलेगा जब बाजार नीचे जाता है, या 1-2 दिन या 1 हफ्तों तक बाजार नीचे की तरफ जाता है, ऐसा भी माहौल रहता है, तो उसमें गिरावट में आप 200-300 रुपए हर एक दिन ऐसा करके निवेश कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे मैं तो डे टू डे बेसिस में मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाता हूं। जी हां दोस्तों, नहीं करना भी नहीं है, आप लोग अगर ऑफिस में रहते हैं काम करते हैं तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए 2-3 दिन बाजार गिरा है, आप तो ऑफिस जब हो जाता है उसके बाद तो आज का मार्केट क्या गया वो तो आप देख सकते हैं ना, निफ्टी या आपका जो सेंसेक्स है या ओवरऑल बाजार कैसे जा रहा है आप सकते होंगे। ऐसा अगर 2-3 दिन देखेंगे कि बाजार नहीं नीचे के तरफ ही जा रहा है, तो थर्ड दिन आप थोड़ा सा निवेश कर दीजिए 500 रुपए इसमें, क्योंकि 100 रुपीज ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो जिस दिन बाजार थोड़ा सा गिरे वो गिरावट में ये निवेश कीजिएगा। SIP रजिस्ट्रेशन करने का उतना जरूरत नहीं है अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर है तो। ये स्ट्रेटेजी क्यों हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखिए ये आपको एवरेज रिटर्न देगा, इंडेक्स फंड है, एक्टिवली मैनेज्ड फंड नहीं है, तो उसको आप टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं देखेंगे, एक एक साइकिल में एक आपका जो स्मॉल कैप का कैटेगरी होगा उसमें टॉप 3 में ये फंड कभी भी नहीं आएगा, हमेशा ये एवरेज एक रिटर्न देगा। लेकिन एक एडवांटेज रहेगा कि लॉन्ग टर्म में फंड को चेंज करने का जरूरत नहीं है, आप लोग अगर एवरेज रिटर्न से खुश है उस टाइप का इन्वेस्टर को ही इंडेक्स फंड को लेना है, जबरदस्ती इंडेक्स फंड को ऐड मत कीजिए पोर्टफोलियो में अगर आप लोग उस टाइप का इन्वेस्टर नहीं है। नहीं तो आज के दिन में बाजार में बहुत सारा अच्छा स्मॉल कैप फंड है, जैसे कि कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, जो पब्लिकली आपके साथ शेयर है आप लोगों के साथ, उसके साथ साथ SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ऐसा ऐसा अच्छा फंड है, तो जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आपको इंडेक्स फंड और मैं जैसा ये स्ट्रेटेजी बोला हूं इसमें अगर आप बिलीव करते हैं तो ही जाइए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आपके पास आ जाएगा ना तो आप समझेंगे। पहले तो देखिए ये इंडेक्स लगभग 2005 के बेस लेके चालू हुआ है, यानी इंसेप्शन टाइम आप बोल सकते हैं, जो NSE में डेटा मौजूद है वहां पे देखिएगा 2005 से लेके 2008 जब पीक बना था बाजार में, लगभग ये 3 से 4 गुना यानी 300 से 400% रिटर्न दिया था वो बुल रन में।
आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब गिरावट आया तब स्मॉल कैप है, इसीलिए भयंकर गिरावट भी ज्यादा आता है, बढ़ने के टाइम भी बढ़ता है, गिरने के टाइम भी बढ़ता है। वहां पे वो मतलब मान लीजिए लगभग 4000 का इंडेक्स 1000 के आसपास हो गया, लगभग आप समझ सकते हैं 70% 80% से भी ज्यादा मतलब इंडेक्स में फॉल आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद पेन नहीं गया, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज चालू होता है। कंसोलिडेशन फेज ये पर्टिकुलर इंडेक्स में 2009 के आसपास से चालू हुआ। 2009 से 2014 तक आप देख पाएंगे कि इंडेक्स ने ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिया, मतलब 1000 वैल्यू अगर इंडेक्स का मान लीजिए 1000 से 2000 हुआ, आपका फिर से 3000 हुआ, फिर से 2000 आ गया, ऐसा मतलब कंसोलिडेशन फेज में ही रहा, ज्यादा रिटर्न नहीं मिला 5 साल तक। उसके बाद फिर से 2018 से लेके 2020 का जो कोविड में परिस्थिति चला था फर्स्ट फेज में, वो 2-3 साल बहुत भयंकर गिरावट रहा, आपका स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो कोई भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया था इन्वेस्टर को। उसके बाद जो ये बुल रन अभी चालू है, यहां तो आप देख ही पाएंगे कि लास्ट में कितना जोर से बुल रन चल रहा है अभी चार्ट में, लेकिन इसका भी एक एंड होगा, हर बुल रन का भी एंड होता है, उसके बाद फिर से कुछ करेक्शन भी होगा और कंसोलिडेशन फेज में भी जाएगा। तो वो जो फेज रहेगा उसमें थोड़ा सा परेशानी आता है इन्वेस्टर लोगों को, क्योंकि आप लोग तो तेजी ही देखे हैं, तो इसीलिए मैं हिस्ट्री भी थोड़ा सा बताया हूं कि ये इंडेक्स को और आज के दिन में स्मॉल कैप को देख के, जब आप देखेंगे हर दिन ग्रीन में रह रहा है स्मॉल कैप, जो भी आप स्टॉक देखिएगा, जो भी आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स देखिएगा, लेकिन यही असली पिक्चर नहीं है, उसमें फॉल भी आता है और आपका कंसोलिडेशन फेज लंबा भी चलता है, 4-5 साल तक भी चलता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को क्या करना है, निवेश करना है या नहीं करना है, कौन से टाइप का इन्वेस्टर को इसमें करना है या एक्टिवली मैनेज फंड के साथ ही रहना है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। पहले थोड़ा सा इस फंड के बारे में स्पेसिफिक जान लेते हैं। देखिए फंड का एक्सपेंस रेशियो आप लोग पूछेंगे, एक्सपेंस रेशियो फंड लिस्ट होने के बाद ही मिलता है, ये एनएफओ है तो लिस्ट होने दीजिए, कितना एयूएम साइज आता है वो जानने दीजिए, उसके बाद फंड हाउस डिक्लेयर करेगा, तो उसके बाद आप लोगों को मैं वीडियो बना के भी इन्फॉर्म कर दूंगा। इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप इंडेक्स में जो स्टॉक मौजूद है आप देख सकते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक जो है CDSL, आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये सब अच्छा अच्छा स्टॉक ये इंडेक्स में है। देखिए इंडेक्स खराब नहीं है, अगर टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट देखेंगे इंडेक्स अच्छा है, कंपनीज भी अच्छा है, लेकिन स्मॉल कैप है ना तो वोलाटाइल ज्यादा है, मतलब ज्यादा रिटर्न और आपका ज्यादा रिस्क भी है, तो वो सब टाइप का इन्वेस्टर के प्रति सूटेबल नहीं होता है, इसको समझिए, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वैरी करता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं, तो देखिए फिलहाल के लिए अगर आप स्मॉल कैप में ही जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आज के दिन में भी जो इंडेक्स फंड है उसको आउट परफॉर्म करने वाला आपको जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो मिल जाएगा। तो आज के दिन में वो कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है, मतलब ये इंडेक्स को मुझे लेना ही लेना है, ये इंडेक्स फंड को, ऐसा कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है, मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है इसके अंदर, तो अवॉइड कर सकते हैं। स्मॉल कैप में ही रहना चाहते हैं तो आपको मैं बोल दिया हूं 2-3 जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड स्मॉल कैप में जो अच्छा कर रहा है उसको देख सकते हैं, इसके ऊपर मेरे चैनल में वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, वो देख के आप एक्टिवली मैनेज फंड के साथ आज के दिन में भी जा सकते हैं। लेकिन कोई अगर इन्वेस्टर है जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड ही लेना है, ऐसा भी निवेशक है, वो लोग अगर लेते ही है तो मैं जो पहले आपका स्ट्रेटेजी बताया 100 रुपीज को लेके कैसे प्ले करना है, वैसे अगर करेंगे तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न मिलने का गुंजाइश रहेगा। हिस्टोरिकली रिटर्न कितना मिल सकता है, ऑफकोर्स देखिए स्मॉल कैप है तो आपका जो लार्ज कैप एंड मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न तो ये देने का मतलब क्षमता है इसमें, लेकिन ये भी आप समझ के चलिए कि इसमें गिरावट जब आता है तब भी ये लोग लार्ज कैप और मिड कैप को बीट करता है, यानी गिरावट में भी ज्यादा गिरता है, तो वो वोलेटाइल ज्यादा बहुत ही ज्यादा रहता है।
तो रिटर्न के ज्यादा चक्कर में आप लोग अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप को ही अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो मैं बोला हूं, पर्टिकुलर अगर आप इन्वेस्टर है जिसको इंडेक्स फंड पसंद है तो ही आप इसके साथ जाइए, नहीं तो इसको अवॉइड भी आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसमें निवेश करने का नहीं सोच रहा हूं क्योंकि मेरा जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो जो आप लोगों के साथ शेयर्ड है, जो मैं अपने बच्चे का लॉन्ग टर्म जो भविष्य है उसका एडुकेशन उसके लिए कर रहा हूं, उसमें ऑलरेडी मेरा एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड ऑलरेडी मौजूद है। तो जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जो स्मॉल कैप वाला है, तो उसमें मैं जबरदस्ती एक इंडेक्स फंड ऐड नहीं करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ फंड में मुझे रिस्ट्रिक्टेड रखना है, इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूं। तो मैं दोनों सिनेरियो ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। और आप लोग अगर मेरा वो पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं जहां पे मेरा स्मॉल कैप भी फंड भी है, तो वीडियो का लिंक आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।